है जहाँ पर जो है अंदर जाने के लिए पूरी व्यवस्था है। जैसा कि देखिए आप लोग, यहीं से जो है वो गेट है, मेन गेट है, यहीं से जो है श्रीमद्भागवत जो है ज्ञान यज्ञ एवं रस लीला जो महोत्सव चल रहा है चरवा में, यहीं से जो है उस पांडाल तक जाने का रास्ता है। और जस्ट इसी से पीछे जो है शहीद द्वार, जैसा कि आप लोग पीछे दिखा होगा, शहीद सूबेदार सूर्य बलि सिंह यादव, और यहीं पर वो गेट है। और इधर देखिए सारी व्यवस्था, सारे देखिए साथियों, भीड़ बढ़ती चली जा रही, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। देखिए भीड़ बढ़ती चली जा रही है, मौजूद है, और कितनी भीड़ देखिए, भीड़ की अपार भीड़ की बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए साथियों कितनी ज़बरदस्त भीड़ लग गई है, क्योंकि यहाँ देखिए, और सुरक्षा की तो बहुत ही कड़ी व्यवस्था यहाँ पे मौजूद है। और इधर से देखिए, चारों तरफ से देखिए, देखिए आने जाने वालों का तो तांता लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, इधर से भी देखिए और चारों तरफ से भी देखिए आप लोग, देखिए साथियों कितनी बड़ी व्यवस्थाएँ यहाँ पे मौजूद है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। देखिए और यहाँ पे सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं, किसी भी प्रकार से किसी कोई चूक ना होने पाए। देखिए सारे पदाधिकारी जितने भी हैं, सुरक्षाकर्मी जितने भी हैं, सारे लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं। और जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता, देखिए जैसा कि ये सामने से आप लोगों को धनंजय दास जी महाराज जी का जो है, देखिए यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, ये देखिए सामने से इन्हीं महाराज जी का जो है प्रवचन चल रहा है। और एक एक देखिए, देखिए साथियों यहाँ पर जैसा कि मैं आप लोगों के सामने से दिखा रहा हूँ, ये अस्थाई है, स्थाई नहीं, अस्थाई यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। एक थाना बनाया गया है जिसे किसी भी प्रकार से किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुंचा पाए, या किसी भी प्रकार से किसी को हताहत न पहुंचे, उसके लिए सारी व्यवस्थाएं यहां पर मौजूद की गई है। हम बाबा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उन्होंने ऐसी सारी व्यवस्था मौजूद किया है किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न पहुँच पाए। जैसा कि आप लोगों को अंदर से दिखाना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर सारी हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार से यदि अगर हताहत चोट पहुंचती या किसी भी प्रकार से घायल हो जाता है, तो सारी व्यवस्थाएं देखिए यहाँ पे मौजूद है। देखिए जैसा कि यानी कि किसी भी प्रकार से किसी भी आने जाने की कोई रोक नहीं, कितना प्यार है। देखिए जैसा कि मैं सारी मेडिसिन इसके अंदर रखी हुई है, और इधर देखिए फ्रीज व्यवस्था, देखिए सारी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद है। और जितने संत महंत लोग जो भी श्रद्धालु हैं, कितनी बड़ी भक्ति भाव है ये तो मैं नहीं बता सकता, ये तो ईश्वर जानता है कि क्या है सब लोगों के अंदर, लेकिन महिमा अपार है। आप लोग वीडियो को देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा। साथियों देखिए जैसा कि आप लोगों को मैं सामने से दिखा रहा हूँ, हमारे छोटे महंत जी जो है यहाँ पर आए हुए हैं, और हम उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। साथियों ये छटा बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लग रही है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए सभी महिलाएं, पुरुष, बच्चे, युवा, जितने भी सारे जो है बहुत ही, और इधर देखिए महिलाएं देखिए बैठी हुई हैं, वो महाराज जी का इंतज़ार कर रही हैं कि महाराज जी भी आएंगे तो प्रवचन जो है चालू होगा। और आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए कितने लोग, देखिए अभी मैं आपको पीछे दिखाना चाहता हूँ, अभी जो है बहुत बड़ा पांडाल कम से कम 2-3 एकड़ में देखिए लगा हुआ है, जैसा कि मैं आप लोगों को एक एक करके दिखा पा रहा हूँ। यहाँ पे बहुत ही अच्छा, और तमाम लोग यहाँ पर देखिए आए हुए हैं जो जो है महाराज जी के जो है दर्शन के लिए जो है इंतज़ार कर रहे हैं कि महाराज जी जब आएँगे तो प्रवचन चालू होगा, जिसके द्वारा आप लोग देखेंगे। और यहाँ पे उन महाराज जी की तस्वीर मैं दिखाऊंगा जो आप लोगों को यहाँ पे जो आयोजन हो रहा है, ये देखिए जो सामने से आप लोगों को तस्वीर दिख रही है, ये देखिए यही महंत जी हैं जो है यहाँ पे, जिनके इसमें जो है यहाँ पे कार्यक्रम जो है चालू हो रहा है। और देखिए
तमाम जो है यहाँ पे श्रद्धालु जो है मौजूद हैं, और कितनी छटा कितनी खूबसूरत है वो तो मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि इतना अच्छा और मनमोहक दृश्य शायद ही आप लोगों को देखने को मिले। बहुत ही मतलब देखिए कितनी साज सज्जा से सारी जो है तैयारियां यहां पे जो है कराई जा रही है कि जिसका मैं वर्णन कर नहीं सकता। और यहां पर जो है सुरक्षा का कड़े से कड़ा प्रबंध किया गया है, किसी भी प्रकार से कोई हस्तक्षेप ना होने पाए, इसलिए जो है यहाँ पे सुरक्षा बहुत ही चौकबंदी है। देखिए सारे पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है, और देखिए यहाँ पर दुकानें जो है ऑलरेडी सजी हुई है, ये देखिए। ये देखिए इधर दुकानें हैं जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, देखिए। और देखिए सारी बुके, और देखिए यानी कि चलती फिरती दुकान जो है यहाँ पे महाराज जी के अंदर आ गई है। देखिए भोजन भी हो रहा है और आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर कितनी सुरक्षा की प्रबंध किया गया है साथियों, और चलेंगे अभी बाबा जी के दर्शन भी कराएंगे आप लोगों को। और यहाँ पे देखिए कौशाम्बी के अंदर ये पहली बार है कि जो ऐसा प्रोग्राम हो रहा है, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, एक एक करके सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाएंगे। सभी देखिए महिलाएं, देखिए लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कितने लोग आ रहे हैं, कितनी भीड़ें यहाँ पर जो है ऑलरेडी पहले से आ रहे हैं। देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे मौजूद है साथियों, मैं ये नहीं बता सकता। यहाँ पे बहुत देखिए कितना ज़्यादा प्रबंध किया गया है, और सारे पदाधिकारी जितने भी हैं सारे मौजूद हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, देख लीजिए। यानी कि यहाँ पे सुरक्षा की अच्छी कड़ी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार से कुछ। और प्यारे साथियों देखिए यहाँ पे बाबा जी का शायद आश्रम है, और आप लोग देखिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। प्यारे साथियों आप लोग वीडियो में बने रहिए, और देखिए यहाँ पर जो है सारी व्यवस्थाएं मौजूद है, और हम भी चारों तरफ जो है फेरा ले लेते हैं। आप लोग देखिए इसमें कितने बड़ी व्यवस्था की गई है, सारी मैंने यहाँ पे पूरी तरह से व्यवस्था, देखिए कितने श्रद्धालु जो है बैठे हैं, और सुरक्षा की तो यहाँ पे बहुत ही कड़ी निगरानी रखी गई, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इधर भी देखिए सुरक्षा की मतलब इतनी पाबंदी लगी हुई है, किसी भी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए। देखिए सारे पदाधिकारी एकदम मौजूद है, और देखिए इधर सगल देखिए, हर जगह पर देखिए देखिए। प्यारे साथियों आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए, और देखिए बहादुर कितना प्यारा सजाया गया है यहाँ पे। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी सुरक्षा है, और सुरक्षा के साथ साथ मतलब इतना लोगों में विश्वास है। देखिए हमारे संत महंत जो है यहाँ पे सारे लोग जो है सारे श्रद्धालु जो है बैठे हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिएगा, ये देखिए इधर। और मैं साथियों ज़्यादा तो नहीं लेकिन सभी लोगों को आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए इधर हमारे सद्गुरु महाराज जी का जो है यहाँ पे फोटो लगा है, और इनके अंदर जो है रहने का निवास करने का इनका प्रबंध है। प्यारे साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, देखिए अभी जो है 3 बजे से प्रारंभ होगा, और लेकिन श्रद्धालु जो है आने की इतनी भीड़ लग गई है धीरे 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 करके, ये जैसा मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ, ये देखिए इधर चारों तरफ आप लोग देखिए। और बैरिकेडिंग किया गया है कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी न होने पाए। और इधर देखिए कितना प्यारा जो है यहाँ पे, और ये देखिए ब्रिज, और कितना मनमोहक दृश्य आप लोगों के सामने चल रहा है, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पे। देखिए साथियों जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था कितना बड़ा पंडाल यहाँ पे लगा हुआ है,
और कितने श्रद्धालु, कितने कार्यकर्ता, सारे लोग यहाँ पर लगे हुए हैं। ये जो है अभी यहाँ पे महाराज जी का जो प्रवचन है वो शुरू नहीं हुआ है, लेकिन शुरू होने वाला है। उससे पहले देखिए हमारे कितने श्रद्धालु जो हैं यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे देखिए आ चुके हैं, और यहाँ पे सुरक्षा की अच्छी कड़ी प्रबंध किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए। देखिए जैसा कि मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए, इधर देखिए कितनी बड़ी मतलब सुरक्षा की कड़े प्रबंध किए गए हैं, किसी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए। ये देखिए सारे लोग जो हैं, किसी भी प्रकार से कोई चूक ना होने पाए इसलिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। देखिए ये देखिए, यहीं से महाराज जी जो है प्रवचन का कार्य करते हैं, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा पा रहा हूँ। ये देखिए एक एक चीज़ों को मैं आप लोगों को बारीक से दिखाना चाहता हूँ, जो कि यहीं से महाराज जी बैठते हैं और जो है यहीं से प्रवचन करते हैं। देखिए कितनी मतलब यहाँ पे साज सज्जा के साथ में जो है, देखिए यहाँ पे लगे हुए हैं सारे जितने भी महंत लोग हैं और कार्यकर्ता भी हैं, जितने हमारे भाई वो सारे लगे। देखिए बाहर सामने से देखिए, देखिए कितना प्यारा दोस्तों सजाया गया है, इसका वर्णन जितना किया जाए उतना कम है। देखिए और उसके साथ साथ देखिए सामने से देखिए कितना बेहतरीन, ये देखिए और नीचे देखिए, ये देखिए नारियल में जो है लोग कितनी अच्छा तरह से कलश जो है, देखिए यहाँ पे ढेर सारा नारियल रखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत है, ऐसे दृश्य साथियों आप लोगों को बहुत कम ही मिलेंगे देखने के लिए, क्योंकि ऐसा मौका भी नहीं आता है कि आप लोगों को, और इतने महान संत यहाँ पे चरवा की धरती पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कौसाम्बी प्रयागराज यानी कि ये जो चरवा है ये कौसाम्बी में लगता है, लेकिन दोस्तों इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो चरवा ग्राम सभा में है। चरवा ग्राम सभा में इतना बड़ा जो है आयोजन किया जा रहा है, और देखिए यहाँ पे कितने मतलब अधिक लोग यहाँ पे कार्यकर्ता के रूप में देखिए यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न होने पाए और सभी कार्य जो है पूर्णतः संपन्न हो जाए। तो साथियों आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो जो भाई बहन चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।